मथुरा के डी गेट क्षेत्र का ये नज़ारा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी रुकी हुई है और इसमें श्रद्धालु जैसे नज़र आ रहे हैं। कहाँ के हैं आप, कहाँ से आए हैं, क्यों गाड़ी आपकी यहाँ पर रुकी हुई है? हाँ बताइए, क्यों गाड़ी रुकी हुई है, है? किन्ने रोकी है, किन्ने आपने रोकी है ये गाड़ी? नहीं, हमने नहीं रोकी। तो किसने रोकी है फिर, ये अपने आप गाड़ी रुक गई है इस मतलब रश वाले स्थान पर? इन्होंने रोका है। क्या कहा है, किन्होंने रोका है इन्होंने? अच्छा बताइए जी। मैं रोका है जी, जब भाई सारी गाड़ी मैं रोक रहा हूँ जी, नहीं रोक रहे हैं, सीधे चले आ रहे हैं, सीधे चले आ रहे हैं और इन्होंने गाड़ी अपने फोन दी है, फेरी फोन दी है, स्कूल सी वाला पकड़ा गया है, ये हुआ है जी। आप बताएं, आप बताएं जी सर। वो इन्होंने गाड़ी रुकाया, मैं हल्का गेट खोला, वो स्पीड में थे, गाड़ी उनसे कंट्रोल नहीं हुई, हल्का वो घूम दी अपने फेस ही घूम दिया, स्कूटी वाला पकड़ा गया, स्कूटी वाला तेजी से आ रहा था, मैं यहाँ पर हम आगे को करवा रहा हूँ, बस ये है ना। अच्छा, कोई बात नहीं है कुल मिलाकर? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर, कोई दिक्कत, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको मथुरा नगरी में? आपको है, है? क्या है बताइए। इन्होंने सर गाड़ी नहीं रुकवा ली है। गाड़ी नहीं रुकवानी थी आपकी, इस बात से कष्ट हुआ है आपको गाड़ी रुकवाने से? अरे सर मेरे बाप को सुनते है। आप बताइए, बताइए बाप, ये है मैं पैदल आगे बढ़वा रहा हूँ, ठीक है जी, ये बाबा चले जा रहे हैं जी, मैं इनसे कह रहा हूँ सारी मारिए, क्या बात है जी, दूसरी बात जी जी जी, ये बात है, वो कोई बात, ये कुछ इशारों में कह रहे हैं कि ये बात नहीं है, कोई और बात है आपसे, कुछ और बात है क्या? कोई और बात तो है नहीं, ऐसा हुआ था, खिड़की खोली, एक्टिवा वाला घुस चुका था, हाँ इनने रोका था, एक्टिवा वाला इन खिड़की खोली थी, हाँ एक्टिवा वाला गिर गया था, गिर गया था जी। अच्छा, तो आप भी जो है ना यहाँ पर आ रहे हो धर्मनगरी में, तो कृपया गाड़ी को नियम कायदों का पालन करते हुए चलाइए, और फिर ये मत कहिए कि आपकी गाड़ी रोक ली गई, जब आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो गाड़ी रोकी जाएगी, और आपसे हम ये कहेंगे कि अनावश्यक रूप से आप किसी को न रोकिए, ये भगवान की नगरी है और यहाँ पर जो भी आ रहा है भगवान के बुलावे पर आ रहा है, यानी कि हमारा मेहमान है, जब हमारे भगवान का मेहमान है तो फिर वो हमारा मेहमान है, तो इसलिए बोल दो वंशी वारे की जय, बोलो आज के नजारे की जय। और अब आप खुश हो तो थोड़ा सा इस तरीके से अपनी गाड़ी को भी ध्यान से चलवाइए। लाइसेंस आपका ले लिया है जी। क्यों लाइसेंस क्यों लिया है? लाइसेंस दे दीजिए, दे रहे हैं वो लाइसेंस, दे दिया है ये लीजिए, लाइसेंस मिल गया आपको, लाइसेंस क्यों ले लिया फिर आपने? ऐसा जब झगड़ा हो रहा है मैं पूछूंगा मैं। हाँ जब आपस में झगड़ा हो रहा है। अच्छा चलिए जाइए, चलिए जाइए, और कृपया हो सके तो थोड़ा सा इससे जो भी संबंधित पक्ष हैं, राधे कह दिया गया है तो अब कुछ कहना बाकी नहीं है, तो अब केवल यही कह दो, बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय हो बाबा। तो देखो दर्शन दे ही रहे हैं, और कोई दे या नहीं दे, हनुमान बाबा हमारे भोले बाबा के रुद्रावतार हैं, जय जय की जय। और आइए अब हम आपको आगे की ओर लिए चल, और ये आप देख रहे हैं ना श्री कृष्ण जन्म स्थान के आगे का नज़ारा हम आपको करा रहे हैं, और अब आज का पावन पुनीत सफर आप सोच रहे होंगे कि शुरू होने वाला है जी, यही होने वाला है, और पावन पुनीत सफर श्री कृष्ण नगरी का आप कर लीजिए और देख लीजिए कि कृष्ण नगरी में योगीराज भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के बाहर का क्या नजारा है बताइए। श्री कृष्ण जन्म स्थान तो इन होल्डिंग्स ने ही घेर मारा है,
लगता है हमारा मथुरा वृंदावन नगर निगम बेचारा है, उसको नहीं मिल रहा कहीं से चारा है। तो इन होल्डिंग्स को यहां पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट पर गया उतारा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान के बाहर तो ऐसे ऐसे होल्डिंग्स होने चाहिए जिनको देखते ही भक्ति भाव अंतस में हिलोरे लेने लगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य द्वार के बाहर की स्थितियों पर गौर फरमाया जाएगा और श्री कृष्ण जन्म स्थान को श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व काफी सुंदर बनाया जाएगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आने ही वाली है और ये नगरी अपने ऊपर इतराने वाली है। ये नगरी कब इतराने वाली है? ये नहीं इतराती, ये कभी नहीं इतराती, ये बस अपने भाग्य पर फूली नहीं है समाती। तो बोल दो कैला मैया की जय, चामुंडा मैया की जय और भूतेश्वर नाथ की जय। आज का नजारा की जय, सुंदर बड़ा प्यारा की जय, जय जय की जय। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर के बाहर तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब इसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। अरे हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ में क्या है भाई, ये जिव्या भी अगर है बोल पाई तो ये उसी की है कमाई, हमारा क्या है भाई। ये जिव्या भी क्या हिल सकती है, उसकी इच्छा के बगैर कौन सी बात है जो हो सकती है। व्यंजन तमाम हो आपके सामने लेकिन उन्हें ग्रहण करने की इच्छा भी तो होती है, तो वो इच्छा बंसीवारे के द्वारा ही दी जाती है। बोल दो कंकाली मैया की जय, जय हो। तो आपने देखा आज का पावन पुनीत सफर, देख लो आप ऐसा है नगर किसका भैया, सबके मालिक का। सबके मालिक कौन है? सबके मालिक वही तो हैं, याद नहीं आ रहे क्या आप? अरे जिनकी ये नगरी है भाई, ये देख लो कान्हा हमारी, वो है संसार के मालिक। और आज थोड़ी सी धुंध छाई हुई है वातावरण में, आप देख सकते हैं सूर्य नारायण का तेज नहीं है और आज ऐसा लग रहा है जैसे बारिश भी आ सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो बोल दो बंसीवारे की जय, राधा रानी की जय, आज की सुबह सुहानी की जय, आज की सच्ची कहानी की जय। ये सच्ची कहानियां हैं और सीधी कहानियां हैं और आप ही की जुबानियां हैं
और तेरी मेहरबानियां हैं, तेरी कदरदानियां हैं, और कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां हैं। जय हो बंसीवारी की।